ये बहुत बड़ा वेलकम चेंज है हमारे लिए, और मैं हमेशा हमेशा से इंतज़ार कर रहा था कि टेलीविज़न में कौन सी ऐसी चीज़ आएगी जो एक नयापन लेके आएगी, जो कि हमने पहली सीरीज़ में भी देखा कि 24 ने किया है। वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वन टू। बस वही है, मैं कहानियाँ सुना के खुश रहता हूँ, तो एक और कहानी है सुनिए, देखिए कैसी लगती है। नहीं, एक प्यारी सी कहानी है और बहुत पॉजिटिव कहानी है, कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ नहीं है उसके अंदर। किरदार हैं, कुछ उस देश से हैं, कुछ इस देश से, बाकी और कुछ नहीं। ये डिले सिर्फ मेरी सुस्ती की वजह से है, कहानी पे काम करने में थोड़ा वक्त लग रहा है, पर जल्दी ही पूरी करूँगा और जल्द से शुरू करूँगा। I'll see you. Yeah. You're going in? I'm going. I'll see you inside. Yes, tell me. Very excited. Bahut excited hoon, bahut nervous hoon. Fingers crossed, pehla episode. I hope the start is good. And I hope aap log jo sabse important hain, unko acha lage, kuch alag lage. And I think we're really expecting, all of us, including me, we're expecting a really, really great punch from 24. I think glamour har ek platform ke liye bahut bahut zaruri hota hai. डिपेंड ये करता है कि आप किस तरीके का ग्लैमर पोर्ट्रे कर रहे हैं। आई थिंक 24 जैसे शो में ऑथेंटिक रहना बहुत ज़रूरी है, तो आपको बहुत ही बॉलीवुडिश ग्लैमर या फिल्मी ग्लैमर नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत ही रियलिस्टिक, बहुत सिंप्लिसिटी वाला ग्लैमर मिलेगा। हमारे टेक्निकल जो टीम है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे कैमरा डिपार्टमेंट, हमारे सिनेमाटोग्राफर जो है, हमारे DOP, हमारी लाइटिंग, इस पर ख़ास कर से जैसे फिल्म पर ध्यान दिया जाता है वैसे ही ध्यान दिया गया है। So you'll see beautiful visuals. I think that for me, एक authentic 24 जैसे show में बहुत बहुत अहमियत रखता है कि realistic होते हुए visually बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगे सब कुछ, action scene भी खूबसूरत लगे, you know, you should just want to visually feel good about it. So other than that, I think glamour, हमारा Bollywood सबसे सबसे ज़्यादा glamorous industry है, तो I think yeah. बॉलीवुड से आई थिंक आई बीन मिसकोटेड हियर टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज बॉलीवुड से इनसिक्योरिटी नहीं मिलती है। बॉलीवुड की जो जर्नी है वो आपको कभी कभी कई फेजेस में, क्योंकि देर आर ऑलवेज गोइंग टू बी अप्स एंड डाउन्स, एक एक्टर के लिए एक्चुअली बहुत अनसर्टन फील्ड है एज एन एक्टर होना ही, प्रोफेशनली बहुत ही एक अनसर्टन जॉब है हमारा। आप 10 दिन काम करते हैं, आप 4 महीने कंटिन्यूस काम करते हैं, फिर आप 2 महीने बिल्कुल काम नहीं करते, बट दैट्स द वे द जॉब इज़। एंड आई थिंक वो जो वक्त है जब आप काम नहीं करते, इट्स वेरी ईजी फॉर इनसिक्योरिटी एंड सेल्फ डाउट टू क्रीप इन। दैट्स व्हाट आई स्पोक अबाउट। आई डोंट मीन बॉलीवुड, आई मीन एक एक्टर का प्रोफेशन जो है बहुत अनसर्टन और बहुत मुश्किल होता है। यू नो, जितना बाहर से शोबिज़ खूबसूरत लगता है उतना होता नहीं है। देर आर लॉट ऑफ फाइट्स एंड बैटल्स जो आप हर रोज़ डे टू डे अपने साथ करते हैं, जस्ट टू कीप योर सेल्फ अप देयर, टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड एवरी सिंगल डे व्हेन यू आर नॉट वर्किंग ऑल्सो। सो दिस इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ दोज प्रोफेशंस जहाँ जब आप काम नहीं करते हैं तो आपको सब खास कर से उस वक्त सबसे ज़्यादा खुद पर फोकस करना पड़ता है। सो सॉरी, उनका सुरूर मैं उनके जैसे गा नहीं सकती, बट आई थिंक ही इज़
been a game changer for our music industry here. हम लोग सब उनको माइंड करते हैं और यू नो ही इज़ ऑल्सो अ वेरी ग्रेट स्पोर्ट बिकॉज पीपल जस्ट की माँ just mime him like that, but I think he's given some amazing music, fantastic music for our Hindi films, and I hope he continues to do so. So I wish you a very, very happy birthday, Himesh, and God bless you, and may you keep making merry music. Kinone? Sorry? It's only 24 related questions. I'm not even aware of it, so I can't even reply. 24 related questions. Oh, Kabali, yeah. Radhika is a really dear friend of mine to begin with. So I'm very, very happy Radhika is in Kabali. Now coming to the main man, the legend, you know, the man that we worship, Mr. Rajnikant sir. I mean, unke bare mein jitna bolein utna kam hai. He's an iconic figure and always will be. I mean, he's the epitome of stardom. Unse zyada stardom ko agar aap define kare, ek waqt par Rajesh Khanna was stardom defining. But I think Rajni sir is just way beyond, and I think kisi bhi actor ya actress ka dream come true hoga. Kabali release hui hai, and I believe it's doing really, really well. I've read some really great reviews about the film, and of course Rajni sir ke samne baki sab kuch pheka pad jata hai. So I really hope that I'm able to catch it because my schedule is a little busy right now, but I'm really hoping ki main Kabali dekh saku. As of now, guys, are we ready for 24? I don't hear you guys. Aisa pheka ready for 24? Are we ready? Nobody to say that, to be very, very honest. I think hum log inke, it'll be very unfair on my part to even comment on the stardom of somebody like Rajni sir, Amitabh sir. I mean, they are just beyond what words can really express and define. So I think I just have to say I bow down to them. Thank you. Hello, my God. Sorry, I can hear you. इस सीरीज़ को लेके एक तो ये मेरी पहली ये मेरा पहला सीज़न है इवन इफ 24 का सेकेंड सीज़न है एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड क्योंकि आज तक मेरे जितने भी दोस्त हैं सबकी ये तमन्ना है कि वो इस सीरीज़ में काम कर सके बट आई थिंक आई एम द लकी वन एंड बस एक बहुत ही अच्छे कास्ट और बहुत ही अच्छे क्रू का भाग बनना और उनसे बहुत कुछ सीखना ये एक एक्टर को आई थिंक कहीं ना कहीं एक ड्रीम होता है सो आई थिंक मैं टेलीविज़न बहुत करती नहीं हूँ मेरी थोड़ी वो क्या कहते हैं वो मेरे पति देव कहते हैं कि यू नो तुम टेलीविज़न नहीं कर सकती हो या ऐसा मुझे हमेशा कहते हैं बट आई थिंक 24 इज़ वन सीरीज़ दैट एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी अ पार्ट ऑफ एंड आई एम जस्ट लकी टू बी अ पार्ट ऑफ इट एंड दिस इज़ राइट आफ्टर नच बलिए सो इट वॉज अ आइसिंग ऑन द केक